सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो और कैसे इसको इस्तेमाल करके आप थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर को डिराइव कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम अदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, बताओ भाई। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, नीड फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर आपने क्या पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे, कार्नोट साइकिल एंड एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन और कार्नोट इंजन। और फिर हम क्या पढ़ेंगे, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। और लास्ट में आपने क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। और भाई आपको पता है कोई लिमिटेशन इसकी होती नहीं, सेकेंड लॉ की कोई लिमिटेशन होती तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात आपको पहले पढ़ गई भाई, तो ये भाई पढ़ने के बाद आपको सेकेंड लॉ का सारा कुछ मालूम हो जाएगा। हाँ, कुछ एक दो स्टेटमेंट हैं वो आपको आगे क्लियर होंगी जब और जो कॉन्सेप्ट है ना वो डेवलप होंगे, तो ये सारी स्टेटमेंट्स हम आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। बताओ ना कुछ भाई, जैसे एंट्रोपी वाली स्टेटमेंट, ठीक है, जब आप आगे क्या पढ़ लोगे एंट्रोपी। ओके, थोड़ा बताओ, चलो आपको बता भी देंगे इनका एक आइडिया। तो बताओ पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, नीड फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो भाई सेकेंड लॉ की ज़रूरत पड़ती क्यों है, देखो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है भाई उसकी आपने उसकी भाई कुछ खास लिमिटेशंस थी, बताओ क्या क्या भाई। एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस नहीं बताई कि भाई जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में होगी, इजंट इट। दूसरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या नहीं बताया, फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, कि भाई कोई प्रोसेस अपने आप स्पॉन्टेनियसली होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में भी उसने हमको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। और तीसरी जो सबसे मेजर लिमिटेशन थी किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो क्या थी बताओ क्या भाई। फर्स्ट लॉ क्या बोलता था कि एनर्जी और हीट, सॉरी हीट और वर्क आपस में कंप्लीटली क्या है, इंटरकन्वर्टिबल। वहां पर तो भाई हम हीट को फटाक से क्या बोल दिया करते, वर्क के बराबर, इजंट इट, सिर्फ साइन चेंज कर दिया करते। लेकिन दिक्कत क्या है भाई, लेकिन ऐसा कोई इंजन नहीं बना, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी भाई, ठीक है, जो हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे, समझ गए बात। मतलब 100% एफिशिएंसी कोई मशीन होती भाई, अगर आप किसी भी मशीन को 1000 जूल हीट देते हो तो वो 1000 जूल वर्क कभी भी नहीं करता, समझ गए बात। मैं आपको बताऊं भाई, पहले हम जब कभी भाई क्या बोलते हैं गेहूं की कटाई किया करते ना, हम फसल कटाई किया करते, तो जो गेहूं कम काटता है जो भी, अरे जो लामणी स्लो करता है उसको बोलते लामणी, बोलते लामणी, तो जो स्लो लामणी करता है ना उसको उसके घर वाले पता क्या बोलते थे, कि तू रोटी खा रहा 5 और तू काम करता 2 रोटियों का, पता आपको सीधा भाई भाई। अरे ऐसे नहीं कि भाई उसको वो ट्रोल कर रहे हैं उसको वैसे भाई, मतलब ट्रोल तो खर मतलब उसके ऊपर वो ताना नहीं मारते होते, उसको वो क्या बोलते, उसका मजाक करते हैं ये बात, ठीक है, कि क्या बोलते हैं भाई, कोई ज़्यादा खाना खाता हो और गेहूँ कम काटो से क्या बोलते हैं भाई, कि तो रोटी खा गया, रोटी तू खा रखी 5 और तू काम करता है 2 रोटियों का, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है। अगर उसने 5 रोटी खाई और 2.5 रोटियों का काम किया, उसने क्या बोलेंगे भाई, किसकी एफिशिएंसी क्या है, 50%, जितना खाता है उससे आधा काम करता है। बात आपको पहले पड़ी भाई, खैर तो भाई थोड़ा अरे भाई कल्चरल भाई एस्पेक्ट इसका, लेकिन एक्चुअली बताओ क्या होता है, बताओ अगर कोई मशीन आपने उसको भाई 1000 जूल हीट दी लेकिन उसने वर्क किया सिर्फ 500 जूल वर्क किया, तो हम क्या बोलेंगे, इस इंजन की एफिशिएंसी क्या है, 50%, ये मतलब भाई 50% हीट को ही वर्क में कन्वर्ट कर पा, तो भाई हीट का जो कंप्लीट कन्वर्जन वो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन फर्स्ट लॉ इसको बोलता था, ठीक है। तो इसीलिए बताओ हमको भाई किसकी जरूरत पड़ी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ, ठीक है, अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक स्टेटमेंट क्या थी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मशीन जो हमेशा काम करते रहे, इम्पॉसिबल ना भाई। सेकेंड लॉ ये बोलता है भाई, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन विद 100% एफिशिएंसी, समझ गए बात, जो भाई जितनी हीट एब्जॉर्ब करो तो नहीं क्या कर दे, वर्क कर दे, भाई क्या होता है
या फिर आप इसको वैसे बोलो भाई, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल, और वो प्राचीन काल की स्टेटमेंट, विदाउट लिविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर। भाई हीट को पूरी तरीके से, ऊर्जा को पूरी तरीके से कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव कहीं ना कहीं व्यर्थ अवश्य हो जाएगा, इजंट इट? अरे बोलो भाई, ठीक है। तो ये क्या होता हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अगर आप आगे पढ़ोगे भाई, इससे फिर और भी चीज़ें बताओ क्या होंगे भाई, अरे भाई इससे फिर और भी डेफिनेशन आगे डेवलप होंगी, वो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है समझ के बाद, लेकिन अभी आपने इसी स्टेटमेंट को लेकर चलना है। आगे एक स्टेटमेंट और होती है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। पता होगा ना आपको भाई, एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस, एक ही होती है भाई। या फिर क्या होती है? ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। पता होगा ना आपको भाई, ये कई सारी डेफिनेशन है लेकिन इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो आप जब क्या पढ़ लोगे, एंट्रोपी क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है, तब आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर पल्ले पड़ेगा, ठीक है ना। फिलहाल आप एक यही डेफिनेशन लेके चलो, कौन सी बोलो भाई, कि हीट का वर्क में कंप्लीट कन्वर्जन क्या है? इम्पॉसिबल। और मैं आपको बताऊं भाई, शुरुआत में ये मानते थे कि जो ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं इनका सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस होता है, ओके। लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई कि जो स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स होती है ना, जो माइक्रोस्कोप, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, उसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ओरिजिन होता है, वहाँ से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, उसको थियोरेटिकली डिराइव कर सकते हो। अगर आपको ये, अब तुम क्या पढ़ते हो भाई, ठीक है, कार्नोट साइकिल एंड एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। तो जब इसने बोल दिया तो अब आपने इसको प्रूव तो करना पड़ेगा। अरे बोलो, इसको आप मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट करोगे? जैसे आपने फर्स्ट लॉ भी क्या है एक्सपेरिमेंटल, लेकिन क्या उसको भी हमने मैथमेटिकली भाई फॉर्मुलेट नहीं किया था क्या? तो सिमिलरली आपने भाई अब सेकेंड लॉ को आपने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं भाई, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, बोलो भाई, सैडी कार्नोट, ठीक है, उन्होंने ये उन्होंने बताया था 1824 में उन्होंने बताओ क्या बताया था भाई, कि कोई भी इंजन हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता भाई, ठीक है, वो हमेशा कहीं ना कहीं भाई फ्रिक्शन में या किसी और किसी प्रोसेस में भाई थोड़ी बहुत हीट डेफिनेटली वेस्ट होगी ही होगी, ठीक है बात। तो भाई वो तुम क्या बोलेंगे, अगर मान लो भाई क्यों क्या है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय एन इंजन एट टेम्परेचर T2, अगर भाई क्यों क्या है जो उसने हीट एब्जॉर्ब की है, ठीक है, T2 टेम्परेचर पर, अगर भाई T2 टेम्परेचर से इंजन ने हीट कितनी एब्जॉर्ब की है? Q2, ठीक है, बोलो भाई। अब इस Q2 हीट को एब्जॉर्ब करके उसने कुछ काम किया, और Q1 हीट किसको रिटर्न कर दी? एक और रिजर्वायर को, जो किस पे है? T1 पे, नहीं समझे बात भाई। तो Q2 हीट उसने क्या की है? एब्जॉर्ब की है T2 टेम्परेचर पर, और T1 हीट उसने क्या करते हो भाई? अरे रिटर्न कर दी किसको भाई? Q1 हीट उसने रिटर्न कर दी किसको भाई? तो बताओ उसने वर्क कितना किया होगा, बोलो भाई। तो उसने बताओ वर्क उसने बताओ कितना किया होगा भाई, जो हीट उसने अपने पास रखी है उसी का तो उसने वर्क किया होगा, उसने Q2 हीट एब्जॉर्ब की है, और Q1 हीट क्या कर दी? रिटर्न कर दी। तो उसने खुद अपने पास कितनी हीट रखी है? Q2 - Q1, ठीक है। तुम क्या बोलेंगे? तो Q2 - Q1 बताओ क्या है भाई? Q2 - Q1 क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड। Q2 - Q1 क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना, जो इसने हीट अपने पास रख ली, मतलब टोटल हीट रिटेन्ड, बल्कि अभी बोलो एब्जॉर्ब तो कितनी है? Q2, लेकिन Q2 एब्जॉर्ब की Q1 रिटर्न कर दी, कितनी रख ली? Q2 - Q1, और नीचे क्या रखो भाई? टोटल हीट कितनी एब्जॉर्ब की है? तो ऊपर वाला क्या हो वर्क? तो वर्क में कौन सी कन्वर्ट होगी? जो डिफरेंस उसने अपने पास रख लिया, जो उसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया, बताओ पहले पड़ी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे बोलो भाई? तो क्या बोला, क्या W/Q2। और भाई ये तो क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है? एफिशिएंसी का, जितना वर्क किया जितनी हीट एब्जॉर्ब की थी, नहीं समझे बात। तो Q2 - Q1 क्या हो गया? तो Q2 - Q1 क्या है बताओ मेरे पास? क्या भाई? वर्क डन, ठीक है। और ये वर्क डन
इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करके किया है, क्यू टू हीट इसने एब्जॉर्ब की भाई, तो हम क्या बोले बताओ, डब्ल्यू वाई क्यू टू क्या है मेरे पास भाई, एफिशिएंसी। ठीक है, तो ईटा इसको बोलते हैं, ईटा क्या बोलते हैं इसको भाई, ईटा वो ईटा नहीं जो किसी को मारते हैं भाई, ठीक है, ईटा क्या, डब्ल्यू वाई क्यू टू। अब इसका भाई, और ये भी इसका फॉर्मूला है, क्यू टू माइनस क्यू वन बाई क्यू टू। अब भैया आपने क्या करना है, यानी इसका मतलब अगर मैं किसी कारनोट साइकिल में, यानी अगर मैं किसी हीट इंजन में सारे का सारा वर्क निकाल लूँ और सारे के सारी हीट एब्जॉर्ब निकाल लूँ, उनको भाग कर दूँ, तो मेरे पास क्या जाना चाहिए भाई, एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला नहीं आना चाहिए भाई। अब मैं आपको भाई सारे पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि सारा मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। बोलो भाई, अब तो अब कोई इंजन होता है उसको भाई साइकिल में काम करता है, क्यों भाई, किसी इंजन को किस में काम करना पड़ेगा, साइकिल में, क्यों, ताकि भाई वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट को रिटेन कर सके और हम इसको भाई वहीं पर रखे रखे उसके भाई काम ले सके। बात आपको पहले पड़ गई भाई, और उसको बार बार भाई प्रोसेस को रिपीट करके उससे काम लिया जा सके, बात आपको पहले पड़ गई। तो इंजन क्या काम करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक होता है कारनोट साइकिल, आपने पढ़ा होगा, सब ने पढ़ रखा भाई, है ना। तो ये बताओ क्या है वॉल्यूम, ये बताओ क्या है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, ये है प्रेशर। तो ये बताओ क्या है इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम। अब हीट इंजन काम कैसे करता है, आप चार रेजिवार रखो भाई, एक दो तीन और चार। अब ये तो क्या है रबर प्लेट, ये तो क्या है, बोलो भाई रबर प्लेट, ठीक है। और ये बताओ क्या है टी वन पे और किस पे, सॉरी टी टू किस पे और किस पे भाई, टी वन पे भाई। हमारे पास एक सिंपल इंजन है, सिंपल इंजन मतलब भाई एक ट्यूब, बोलो भाई उसे बताओ क्या, एक पिस्टन, इजंट इट भाई, क्या है कि ट्यूब और एक सिलेंडर ही है, इसमें क्या कोई गैस भरी है, और ये नीचे क्या है कंडक्टिंग सरफेस, क्या है कंडक्टिंग सरफेस। अगर ये पिस्टन भाई ऊपर नीचे मूव कर जाए तो ये एक इंजन नहीं बन गया क्या, याद हो हर एक इंजन काम ऐसे ही करता है भाई, उसमें क्या होता है पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा, इजंट इट। तो क्या है मेरे पास, तो अगर इस पिस्टन को हम भाई वापस ऊपर नीचे मूव भाई, तो क्या इससे वर्क नहीं करवाया जा सकता क्या, बिल्कुल। तो क्या करना आपने भाई, सबसे पहले आप इस ट्यूब को, इस सिलेंडर को आप कहाँ रख दोगे, इस टी टू पे, टी टू हाई है टी वन कम है, तो अगर आपने इसको टी टू पे रख दिया तो यहाँ से क्या हीट किसको ट्रांसफर हो जाएगी, इसको भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि गैस जो हीट ट्रांसफर क्या हो रही है भाई, वो वर्क करने में इस्तेमाल हो रही है भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। तो अगर आपने इसको उठा के यहाँ रख दिया तो जो एक्सपेंशन हो क्या होगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो पहला स्टेप क्या हुई, तो वॉल्यूम बढ़ेगी ना पिस्टन की, सॉरी इस गैस की भाई, तो हम क्या बोलेंगे, तो क्या है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो पहला स्टेप हो गया मेरे पास पिस्टन इसका। फिर उधर क्या होगा, तो आपने क्या करना, फिर से उठा के, अरे भाई ऐसे इंजन ऐसे नहीं होते, बात आपको पहले पड़ी भाई, फिर से उठा के आप यहाँ रख दो रेजिवायर पे, क्या उसके बावजूद ये एक्सपेंड होता रहेगा, क्यों भाई, क्योंकि जो इसको इसने हीट एब्जॉर्ब कर रखी है, बोलो भाई, हालांकि इसको बाद में कोई हीट इसको सप्लाई नहीं कर रहे भाई, लेकिन जो वो, तो अगर अब ये क्या है रबर प्लेट इंसुलेटिंग भाई, तो इसको इस पे रखने के बाद ये फिर भी अगर एक्सपेंड हो रहा है तो वो किसकी वजह से है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वो क्या हो एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो पहला स्टेप क्या है आइसोथर्मल रिवर्सिबल, सेकेंड क्या है एडियाबैटिक रिवर्सिबल। अब इसको उठा के इस पे रख दो आप, तो क्या हुआ ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा भाई, नहीं मैं तो आपको पल पड़ गया। अब इसको क्या करो, इस पे रख दो, नहीं आया पसंद भाई, अब बताओ क्या हुआ कंप्रेशन, अरे बोलो भाई अब बताओ क्या हुआ, लेकिन ये भाई एक्स्ट्रा हीट कहाँ ट्रांसफर कर देगा टी वन में, तो क्या हुआ एडियाबैटिक रिवर्सिबल, सॉरी आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। और फिर लास्ट वाला स्टेप इसको यहाँ रख दो, उसके बाद वाला कंप्रेशन तो क्या हुआ मेरे पास एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो भाई इसको उठा उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, नहीं एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, नहीं आ गया आपको भाई, तो पिस्टन ऐसे मूव करने लग जाएगा, बात आपको पहले पड़ी। तो बताओ भाई अब आपने भाई, क्योंकि ये पिस्टन अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया ना, तो जो वर्क करा है इसने पूरे एक साइकिल में, तो भाई पहले क्या है आइसोथर्मली रिवर्सिबली एक्सपेंड, एडियाबैटिकली एक्सपेंड, आइसोथर्मली कंप्रेस, एडियाबैटिक कंप्रेस, वापस उनके ऊपर आ गया इनिशियल वॉल्यूम, ने क्या कर दी रिस्टोर, ठीक है। तो इस प्रोसेस में इसने टोटल वर्क कितना किया होगा, तो बताओ पहले स्टेप में जो इसने हीट एब्जॉर्ब की है
वो हम आसानी से मालूम। अब बताओ क्या पहले स्टेप का आप वर्क निकाल सकते हो क्या? क्या पहले स्टेप का आप वर्क निकाल सकते हो क्या? अरे भाई क्या आपको आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का आपको वर्क निकालना नहीं आता क्या? माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन नहीं होता क्या? तो यहां पर जो वॉल्यूम वो रख दियो भाई, यहां वी वन है, यहां क्या मान लो वी टू मान लो, तो वी टू वी वन नहीं आएगा आपको भाई। माइनस एक मोल तो माइनस आर टी एल एन वी टू बाई वी वन नहीं होता आपको पहले पड़ी क्या? फिर अगला स्टेप क्या है? एडियाबैटिक। क्या आपको एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क आपको पता करना होता है? क्योंकि नेटवर्क क्या होगा, नेटवर्क क्या होता भाई? अगर मैं चारों पाथ के, बोलो भाई, अगर हम चारों ये गोसे पाथ के, बोलो भाई, अगर चारों जो पाथ हुए हैं क्या ये चारों जो क्या भाई, अरे जो चार अगर आप चारों जो पाथवेज हैं अगर आप इनके वर्क जोड़ देते हो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क, यानी कि भाई नेटवर्क। तो वो सिंपल भाई, आपको आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन आपको वर्क निकालना आता है, माइनस आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। आपको एडियाबैटिक का भी वर्क निकालना आता, क्या होता है सी वी डेल्टा टी, आपको ये भी निकालना आता भाई। ये भी कंप्रेशन का होगा, ये क्या हो जाए फिर से कंप्रेशन का, नहीं आएगा आपको भाई? तो चारों वर्क निकाल के उनको जोड़ दोगे चारों को भाई? अच्छा ये बताओ, तो चारों को जोड़ के भाई आप वर्क निकाल लियो तो डब्ल्यू आ जाएगा मेरे पास। और पहले स्टेप में जो वर्क हो ना उसका साइन चेंज कर दियो, क्यों भाई? तो क्या निकालने क्यों टू, क्यों पहले स्टेप में जो वर्क हुआ भाई, क्योंकि पहले स्टेप में इसने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब की क्यों टू एब्जॉर्ब, क्योंकि भाई यहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, मुझे टोटल वर्क पुट करना है, मुझे एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालने के लिए भाई एफिशिएंसी का, वो आपको फॉर्मूला तो गया डब्ल्यू बाई क्यू टू या क्यू टू माइनस क्यू वन बाई क्यू टू, आपको एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और निकालना है जो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंडेंट, ना कि हीट और वर्क के ऊपर। तो बहुत सिंपल है भाई, तो इसने पहले स्टेप में क्या की, हीट एब्जॉर्ब की होगी ना, तो पहले स्टेप में जो वर्क हुआ है क्या अगर उसका साइन चेंज कर दो क्या आ जाएगा वो वर्क डन? अरे भाई फर्स्ट लॉ, अरे भाई था ना वो आइडिया, सॉरी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है? तो पहले स्टेप का जो वर्क हो उसका साइन चेंज करके यहां पुट कर दियो, मतलब माइनस एन आर टी एल एन माइनस आर टी एल एन वी टू बाई वी वन का साइन चेंज कर दियो, क्या हो जाएगा आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, वो तो यहां पुट कर दियो, नहीं आएगा आपको भाई? अरे ऊपर सॉरी नीचे, इजंट इट? और चारों स्टेप के वर्क जोड़े कहां लिख दियो, यहां लिख दो, यहां लिख दोगे ना भैया हमसे उनको क्या? अब तो एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू बाई क्यू टू, आपने हीट एब्जॉर्ब पुट करनी पड़ेगी ना, तो क्यू टू कैसे आएगी, हीट एब्जॉर्ब कहां हुई सिर्फ, पहले स्टेप में सिर्फ क्या हुई, हीट एब्जॉर्ब हुई है, बाकी स्टेप में हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई, इजंट इट? तो पहले स्टेप का वर्क निकाल के उसका साइन चेंज कर दो, मेरे पास क्या जाएगा, पहले स्टेप में हीट एब्जॉर्ब आ जाएगी ना, वो यहां पुट कर दियो, और चारों स्टेप के वर्क निकाल के चारों को जोड़ना है ऊपर पुट कर दियो, रीअरेंज कर लोगे सॉल्व कर लोगे, पता क्या सॉल्व करने पर क्या टी टू माइनस टी वन बाई टी टू, ये आएगा भाई डब्ल्यू और क्यू टू इस साइकिल में इस चारों पाथवे का वर्क जोड़ के एथे लिख दियो, पहले स्टेप का वर्क निकाल के साइन चेंज करके एथे लिख दियो, सॉल्व करियो, क्या आएगा आपके पास, ये भाई बहुत बेसिक डेरिवेशन होता है जो आपका बीएससी में होता है, बात आपको पहले पड़ गई भाई? तो यहां से हमको पता लग गया कि बताओ भाई ईटा का एक फॉर्मूला मेरे पास, ये तो थे ही थे मेरे पास, कौन कौन से ईटा क्या था, डब्ल्यू वाई क्यू टू तो था ही था, यानी क्यू टू माइनस क्यू वन तो था ही था भाई, एक तो मेरे पास क्या है भाई, अब मुझे एफिशिएंसी पता लगी कि जो हीट इंजन होता है उसके सोर्स और सिंक के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, बताओ क्या होता है, तो क्या फॉर्मूला है मेरे पास ईटा का, डब्ल्यू बाई क्यू टू इज इक्वल टू क्यू टू माइनस क्यू वन बाई क्यू टू इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन बाई टी टू, ये आ गया मेरे पास भाई, नहीं है ना आपको ये? अब भाई मैं आपको बताऊं, हालांकि बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आपने पढ़ रखा भाई बीएससी में, लेकिन भाई हमने इसलिए ऐड कर रखा है ये नेट के सिलेबस में क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है? और इवन आपको बताऊं भाई, ये फॉर्मूला 11वीं 12वीं में आता है, बीएससी में आता है, और पक्की बात एमएससी के सिलेबस में भी है, इजंट इट? तो भाई आप सोच लो अगर कोई टॉपिक 11वीं से शुरू होके और एमएससी तक के सिलेबस में ऐड रहता है तो ध्यान रखो वो क्या भाई, इंपॉर्टेंट, और इजी बेशक हो लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, ओके?
अंजलि क्या नहीं आपको, तो बताओ भाई अब इससे आप तो बताओ, हमको पता लग गया कि एफिशिएंसी किसी इंजन की सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके वर्किंग टेम्परेचर्स के ऊपर भी, T2 और T1 के ऊपर। अब इनसे वही दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं, बताओ क्या। अगर मैं ही बोलूँ भाई, अब मैं चलो आपसे एक बात पूछूँ भाई कि किसी करनोट इंजन के वर्किंग टेम्परेचर क्या है, किसी करनोट इंजन में वर्किंग टेम्परेचर है 300 और 400, क्या है? अरे भाई मैं बोलूँ एक करनोट इंजन है 300 से 400 के बीच में वर्क करता है, ठीक है, तो बताओ भाई हाउ मच वर्क वुड यू एक्सपेक्ट इफ दिस इंजन इज सप्लाइड विद 1000 जूल्स ऑफ हीट। ये बताओ भाई, वर्किंग टेम्परेचर्स ऑफ ए करनोट हीट इंजन आर 300 and 400 केल्विन, हाउ मच वर्क वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेम इंजन इफ इट इज सप्लाइड विद 1000 जूल्स ऑफ हीट। ये बताओ इससे आपको भाई कितना वर्क आपको भाई अपेक्षित होगा, पता ना आपको भाई अपेक्षित, ठीक है, इससे कितना कार्य अपेक्षित होगा, अपेक्षित तो सही शब्द है मेरे ख्याल से भाई, कितना कार्य इससे अपेक्षित होगा अगर इसको भाई 1000 जूल हीट दी जाए, बताओ। तो भाई इसने क्या बताया है, आप तो देखो से यही फॉर्मूला आपने इसे बताया, इसने भाई हीट कितनी दी है, हीट कितनी दी है 1000, वर्क पूछ रहा है, तो भाई आप कहोगे ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू टू होता है, इसने बताया क्या है वर्किंग टेम्परेचर नहीं, इसने बताया, इसने हीट बताई है, वर्क पूछ रहे हैं, तो मुझे क्या क्या निकालना पड़े पहले भाई, ईटा, आपको भाई इन से ही तो ईटा निकालते हैं भाई, ईटा इन से भी निकलता है और ईटा इन से भी निकल सकता है भाई, है ना, तो पहले T2 और T1 पुट करके क्या निकाल लो ईटा, फिर ईटा को यानी कि पहले आप दो फॉर्मूले करो, ईटा इज इक्वल टू दिस एंड ईटा इज इक्वल टू T2 बाई T1 माइनस T2, ठीक है, तो बताओ भाई T2 T1 कितने हैं, T2 की वैल्यू क्या है बताओ भाई, 400, बोलो भाई, तो ईटा इज इक्वल टू 400 माइनस 300 बटे 400 क्या भाई, 100 बटे 400, और मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे 100 का पढ़ा भी याद है, बेशक मुझे 19 का पढ़ा याद ना, ठीक है बात, तो 100 बटे 400, 100 चौके 400, बताओ भाई इतना होशियार कौन होगा बताओ, है ना, 100 चौके बस 19 का पढ़ा ना, सुनियो भाई तो क्या 0.25 आ गया ना भाई, तो 0.25 क्या इसकी एफिशिएंसी, इनके 25% आ गई भाई, ठीक है, अब यहाँ क्या पुट कर दो बताओ भाई, 0.25 ऐसे क्या पुट करो 1000, बताओ क्या जाए मेरे पास, कितना भाई 250 जूल, कितना जाए ये, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरा एक दोस्त था भाई MSc के अंदर, ठीक है, वो जीन साइड का, तो जीन साइड वाले क्या बोलते हैं 250 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं वो, ठीक है, मैं कह रहा था मैं दलाल ये फाइल तो बहुत महंगी है, मैं कितने की आई है, बोला 250 की आई है, तो बताओ भाई कितना वर्क है, बताओ ये कितना वर्क होगा हमारे पास, ये बताओ 1000.25 कितना है मेरे पास, ये 250 जूल आ गया, नहीं आपको नहीं आना आपको, ये तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, ये बताओ आप मुझे बताओ भाई, बता नहीं, अगर किसी इंजन को 100 जूल हीट दी, उसने 40 काम किया, उसकी एफिशिएंसी क्या है, 0.4, बताओ ना आपको भाई, क्यों यहां पर T2 और T1 नहीं दे रखे, यहां पर ये बता ही दिया भाई कि 40 वो काम किए हैं, 100 जूल हीट दी, एफिशिएंसी क्या है इसकी भाई, 0.4। इसी इंजन को अगर 1000 जूल हीट दी जाती, अगर 40 जूल हीट देने पर कोई इंजन क्या करता है, सॉरी 100 जूल हीट देने पर अगर इंजन 40 जूल काम करता है, तो 1000 जूल हीट देने पर इंजन कितना काम करेगा, 400 जूल आ गया ना आपको। अच्छा एक बात मैं कूदूँ भाई, और एक इस पे भाई इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं जिनको भाई स्टूडेंट्स आमतौर पे गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि एफिशिएंसी इस डिफरेंस से क्या होती है, प्रोपोर्शनल, तो जिसमें ज़्यादा डिफरेंस उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा, ये बात भाई कमोबेश ठीक है,
लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। क्यों? अगर मान ले भाई ये लिखे हुए, मान ले क्या दे भाई, तीन इंजन है ए बी और सी, बताओ एफिशिएंसी क्या होती है, बताओ टी टू माइनस टी वन बाई। अब ये काम कर रहा है 100 से 200 के बीच में, ये काम कर रहा है, बताओ भाई क्या, बोलो भाई 400 से 600 के बीच में, क्या भाई 400 से 600 के बीच में, और ये काम कर रहा है, बोलो भाई 200 से 500 के बीच में, तो आपको बताओ क्या लगेगा भाई 200 से 500 के बीच में, isn't it? तो बताओ भाई आपको तो क्या लगेगा, ना 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 200 से मान लिया भाई 400 के बीच में, क्या 200 से 400 के बीच में, नहीं बल्कि अरे 400 से ये मानो भाई 700 के बीच में, क्या, अरे बोलो भाई 400 से, तो आप क्या मानोगे कि भाई यहां पर डिफरेंस क्या है टेम्परेचर में 100 का, यहां पर क्या है 200, यहां पर क्या भाई 300 का, तो आपसे पूछ ले बताओ इन इंजन की एफिशिएंसी का ऑर्डर क्या होगा, कोई आपसे पूछ ले कि ये बताओ भाई इन कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का ऑर्डर क्या होगा, चित्र बताओ, तो भाई हमको एकदम से देखने पर हम क्या लगेगा भाई कम डिफरेंस 100 का डिफरेंस 200 का 300 का, तो ये क्या होना चाहिए मोस्ट एफिशिएंट। भाई कई बार स्टूडेंट्स भाई नहीं है जल्दी में ऐसे क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करते हैं भाई जो कि गलत है, क्यों, आप एक्चुअली अगर मालूम करोगे ना भाई, आप देखो भाई क्योंकि एफिशिएंसी सिर्फ डिफरेंस पे नहीं, टी टू की क्या होती है इनवर्सली, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा डिफरेंस क्या है 100 बटे, ये बताओ क्या आएगा, अब बताओ ये बताओ मेरे पास क्या है, अब वहां डिफरेंस क्या सबसे ज्यादा 300 का भाई, लेकिन यहां पर इश्यू क्या है बताओ भाई 1.05, यहां क्या आएगा 1/3 0.33, देखो भाई यहां पर डिफरेंस ज्यादा था लेकिन मोर एफिशिएंट कौन सा आया पहला इंजन, ठीक है, और यहां देखो भाई अब 300 का डिफरेंस, अरे भाई 100 बटे क्या है 700, 3/7 का होता है बताओ, अरे भाई 7 × 28 0.4 something आएगा, नहीं है क्या आपको, तो बताओ मोस्ट एफिशिएंट कौन सा बताओ मेरे पास जिसमें सबसे कम डिफरेंस है, तो कोई जरूर नहीं भाई, तो जो अगर ये आ जाए भाई अगर 3-4 कार्नोट इंजन क्या है प्रोवाइडेड गिवन है और आपसे पूछ ले इनका भाई एफिशिएंसी का ऑर्डर में रखो इनको, इनकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर दिखाओ क्या होगा, तो आपने ये नहीं करना कि भाई एकदम से भाई क्या बोल जड़ी फिर से लेकर भाज लो कि भाई हाँ भाई ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा एफिशिएंसी, ना डिफरेंस को भाग क्या और किससे भाई सोर्स के टेम्परेचर से, और तब जो आंसर है उसको रिपोर्ट करो, बात आपको पहले पड़ी, ठीक है, ओके अब बताओ भाई, और ये बताओ क्या भाई इसका ये क्या है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भाई, ये भाई MSc वालों का सिलेबस पूरा हो रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर लिया, ओके कोई बात नहीं वो भी आएगा भाई, अब बताओ ये क्या भाई आपका, ये क्या भाई, ये क्या है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या T2, ये क्या T1, ये क्या भाई, बोलो भाई इंजन अरे मशीन Q2 हीट आई है Q1 वापस कर दी तो W में कौन सी चली गई, वर्क में कौन सी गई, इनका डिफरेंस नहीं आएगा आपको, अब बताओ क्या पढ़ना हमको, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, भाई आप ये बताओ किसी कार्नोट इंजन को आप कार्नोट रेफ्री आप कार्नोट इंजन को रिवर्स भी कर सकते हो, बस अंतर क्या होएगा इंजन एनर्जी प्रोवाइड इंजन वर्क करेगा भाई, समझ गए बात भाई, और रेफ्रिजरेटर पर वर्क करना पड़ेगा, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, मतलब आप उसको रिवर्ट कर सकते हो, अगर आपने किसी कार्नोट इंजन को रिवर्स कर दिया तो वही क्या हो जाएगा हमारे पास कार्नोट रेफ्रिजरेटर, उसका काम उल्टा हो जाएगा भाई। अब इंजन ही क्या होती है, इंजन क्या होता है भाई एफिशिएंसी, इंजन क्या होती है भाई एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेटर का होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वहां पर था ईटा, यहां पर क्या होता है बीटा,
बोलो भाई। तो कार नॉट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? ईटा बोलो भाई। और ईटा क्या होती है? और सॉरी, ईटा होती है ना एफिशिएंसी, और क्या थी? T2 - T1 / T2। और भाई अगर वही इंजन एज रेफ्रिजरेटर काम करवाया जाए तो उसको तुम क्या बोलेंगे? उसका क्या है कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस? और इसके लिए बताओ भाई बीटा होगा, बताओ बीटा वैल्यू क्या होगी? T1 - T1 - T2। और बीटा और ईटा क्या भाई? बीटा और ईटा आपस में कैसे जुड़े होते हैं? 1 - ईटा / ईटा। क्या बताओ तो बीटा क्या होता है? बीटा और ईटा भाई, बीटा और ईटा 1 - ईटा / ईटा। ईटा बीटा ईटा आ गया ना आपको भाई? ठीक है, तो ध्यान रखियो अगर कोई यही बता दे भाई कि अगर किसी इंजन को कैसे काम करवाया जाए, किसी इंजन की आपको क्या बता रखी हो? एफिशिएंसी। और आपसे ही पूछ लें, हालांकि मैं इसके ऊपर आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ऐड कर रखा ये सिलेबस में, क्योंकि कोई बड़ा इशू है नहीं इसका। ठीक है, और भाई एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर एग्जामिनर के मन में आ जाए और पूछ ले भाई किसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ये है, अगर इसी इंजन को भाई एज रेफ्रिजरेटर काम पे लगाया जाए तो बताओ इसका कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? तुम क्या करें भाई उस एफिशिएंसी को एथे पुट कर दियो, 1 - ईटा / ईटा। बताओ आपके उसे कार्नोट रेफ्रिजरेटर का कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब बताओ क्या है थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब बताओ फाइनल टॉपिक हमारे पास बताओ क्या रह गया, क्या रह गया इसमें? थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर बताओ क्या होती है भाई? अच्छा एक हमारे पास होती है सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, वो बताओ क्या होती है? हम कैसे बनाते हैं भाई? आप एक थर्मोमीटर है उसमें आप क्या बोल देते हो? कोई लिक्विड जैसे मरकरी होता है, अब उस लिक्विड का क्या होता है कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन? वो हीट पा के क्या करता है भाई? एक्सपेंड होता है ना भाई, हीट पा के वो लिक्विड क्या करता है भाई? एक्सपेंड होता है। जैसे आपने उसमें क्या भर दिया मरकरी, तो भाई फ्रीजिंग वाटर में रखने पर मरकरी जहां है उसे आपने क्या बोल दिया? 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग वाटर में रखने पर जहां पर मरकरी पहुंचा उसको भी बोल दिया 100 डिग्री सेल्सियस। और बीच के सारे स्केल को आपने तोड़ दिया 100 हिस्सों में, तो ये हमारे पास क्या होती है? सेल्सियस स्केल। अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो इसको हम बोलते हैं सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। लेकिन दिक्कत क्या है भाई, ये सेल्सियस स्केल जो होती है ना ये डिपेंड करती है बताओ किसके ऊपर? मटेरियल यूज के ऊपर। आप एक काम करो, आप उसी थर्मोमीटर में काम करो, मरकरी निकाल कुछ और भर दो उसी थर्मोमीटर में भाई, सेम थर्मोमीटर में आप मरकरी निकाल के कुछ और भर दो भाई, ओके? और फिर आप उससे भाई अगर कोई बहुत क्या बोलते कम एक्सपेंडिंग लिक्विड है और आपने उसको भाई बहुत गर्म चीज में रख दिया, तब भी वो तो भाई बहुत कम ऊपर जाएगा, आपको गई हो ठंडा है बिल्कुल। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, बात आपको पहले पड़ रही भाई। और हाँ हो क्या पता, हो लावा मतलब हालांकि वो नजर आ जाए, लेकिन बात आपको पहले पड़ेगी ना भाई। तो क्योंकि आप जो सेल्सियस स्केल आपके पास होती है उसमें आपने क्या किया भाई, उसमें आपने एक थर्मोमीटर में एक क्या भर रखा है? एक्सपेंडिंग लिक्विड जो हीट पा के एक्सपेंड करता है। जब आपने उसको रखा फ्रीजिंग वाटर में, एक बार आपने उसको रखा भाई बॉइलिंग वाटर में, तो मरकरी जहां तक हिट करता है वहां पर हम मार्क कर देते हैं, इजंट इट? और भाई दोनों केसेस में फ्रीजिंग वाटर मरकरी कहाँ है और भाई बॉइलिंग वाटर मरकरी कहाँ है? बीच को तोड़ दिया 100 हिस्सों में। लेकिन अगर आपने उसी थर्मोमीटर को, सेम थर्मोमीटर आपने जो मार्किंग कर रखी है 0 से 100 तक, उसमें काम करो, आप पता क्या बदल दो उसमें? मरकरी हटा के कुछ कुछ और डाल दो भाई, समझ गए? क्या अब वो सही रीडिंग दिया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्केल किसके ऊपर डिपेंड करती है? मटेरियल यूज्ड, इजंट इट? जो मटेरियल आपने इस्तेमाल किया है, जो लिक्विड आपने इस्तेमाल किया है, उसका एक्सपेंशन का कोफिशियंट क्या होता है भाई? अलग अलग, तो वो डिफरेंट रीडिंग्स देंगे, इजंट इट? तो काम का है नहीं भाई? हालांकि भाई आज भी हम यूज तो उसे करते हैं, लेकिन भाई साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए इतना वैलिड वैल्यूएबल नहीं है, इसीलिए हम सारी कैलकुलेशन किसमें करते हैं? कैल्विन में, इजंट इट? अब आप मुझे बताओ भाई, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया
तो भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था भाई, ठीक है, एक थ्योरी है नहीं जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, आइडियल गैसेज, उसको इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, और एक बनाई गई केल्विन स्केल। क्या बनाई गई? केल्विन स्केल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो भाई, आइडियल गैस स्केल ऑफ टेम्परेचर। क्या भाई? आइडियल गैस स्केल ऑफ टेम्परेचर, समझ गए बात, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस स्केल ऑफ टेम्परेचर। और ये किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई भी आइडियल गैस जीरो डिग्री पे एग्जिस्ट करना बंद कर देती है, जीरो केल्विन पे। भैया पाया गया कि -273, थ्योरेटिकली ये पाया गया -273.15 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बताओ आपको पड़ी भाई, इस टेम्परेचर पर गैस ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती भाई, आइडियल छोड़ो, बताओ आपको पड़ी भाई, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस नहीं रहेगी, नहीं आना आपको ये। तो आइडियल गैस भाई जिस वैल्यू पे एग्जिस्ट करना बंद कर दे, उसको फिर क्या मान लिया गया, बोलो भाई, मिनिमम टेम्परेचर। मैं बोलो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। और क्या बोला इसको? जीरो केल्विन बोला गया इसको। इसको फिर क्या बोला गया भाई? माइनस। तो क्या पाया कि भाई ये थ्योरेटिकली प्रूव्ड है आइडियल गैस स्केल ऑफ टेम्परेचर में कि -273.15, तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली -0.15 क्या है ये, लेकिन मोस्टली 273 लिख देते बुक्स में, है ना, -273 डिग्री सेल्सियस, इस पे आइडियल गैस एग्जिस्ट करना बंद कर देती है। तो हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया, बताओ भाई, स्केल का लोअर वैल्यू, और इसको हमने जीरो मान लिया, इसको बोलते जीरो केल्विन, इसको बोलते केल्विन स्केल भी इसको बोलते हैं। बात आपको पहले पड़ी भाई? अरे बोलो, इसको बोलते हैं आइडियल गैस स्केल ऑफ टेम्परेचर। और इसमें अच्छी बात यह है, इसमें आप कोई भी आइडियल गैस ले लियो, कोई भी आइडियल गैस, वो जीरो पे एग्जिस्ट करना बंद कर देगी भाई, चाहे आप मतलब गैस भी चाहे H2 हो, चाहे O2, कोई भी आइडियल गैस हो, जीरो पे एग्जिस्ट वो नहीं करेगी, समझ गए बात। तो भाई इसको फिर क्या मान लिया गया, जीरो केल्विन। और उसके बाद भाई, क्योंकि ये मेटीरियल इंडिपेंडेंट स्केल है, क्या ये मटेरियल इंडिपेंडेंट, कोई भी गैस हो भाई, यहां पर तो क्या है, लिक्विड बदलने पर आंसर कैसे गया, अलग आ जाएगा भाई, वहां पर क्या है, कोई भी गैस इस्तेमाल करो, हर एक एग्जिस्ट करना बंद कर देती किस पे, जीरो केल्विन पे, ठीक है। तो जो केल्विन स्केल थी भाई, तो बिल्कुल आइडियल गैस जैसी रिजल्ट, आइडियल गैस जैसा रिजल्ट पता किससे आया, फिर कार्नोट थ्योरम से आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रिजल्ट डिराइव कर सकते हो। क्योंकि आपने बात देखी, जब हमने कार्नोट थ्योरम की बात करी, हमने कार्नोट साइकिल की बात करी, तो हमने ये जिक्र नहीं किया कि वहां पर गैस कौन सी ली हमने, क्या मैंने यहां पर बोला भाई कि ये गैस लेने पर T22 आई, ये फॉर्मूला ये आएगा भाई, कोई भी गैस लो, नहीं आएगा आपको। तो बताओ किसी इंजन की एफिशिएंसी क्या आई थी हमारे पास, T2 - T1 / T2 = Q2 - Q1 / Q2, isn't it? अरे बोलो भाई, तो आप इसको ऐसे मानो भाई कि अगर मान लिया कोई मान लिया भाई, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक T1 पे और एक क्या भाई, सॉरी, एक है θ1 पे, क्या हो θ2 टेम्परेचर पर। अरे मान लिया भाई कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल है जो हीट एब्जॉर्ब करता Q2 किस पे भाई, T2 पे, और हीट लॉस करता भाई किस पे, Q1 हीट लूज करता किस पे भाई, θ1 पे, क्या भाई, θ1 पे। तो ये पाया गया भाई कि ये दोनों क्या होते हैं, उसके प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी हीट एब्जॉर्ब भी क्या होती है, प्रोपोर्शनल, और हीट लॉस भी क्या होता है, बताओ भाई, प्रोपोर्शनल। तुम क्या बोलेंगे कि Q1 तो Q2 तो बताओ भाई किसके प्रोपोर्शनल होगा, बोलो भाई Q2 किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई, Q2 बताओ किसके भाई, θ2 के, और Q1 θ1 के, isn't it? Q2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, θ2 के, और Q1 भाई θ1 के। अभी काम करो आप इसको भाई, आप इनको अब इनका क्या करो, रेसिप्रोकल, तो क्या गया मेरे पास, तो Q1 / Q2 क्या हो जाएगा, θ1 / θ, इन दोनों को एक एक में से माइनस करियो, क्या गया मेरे पास, 1 - Q1 / Q2 = 1 - θ1 / θ2। तो यहां बताओ एलसीएम क्या गया,
लघुत्तम समापवर्त क्या है मेरे पास यहाँ पर क्यू टू, तो क्या क्यू टू माइनस है क्यू वन इज इक्वल टू बताओ भाई थीटा टू, थीटा टू माइनस थीटा वन आ गया मेरे पास भाई। अरे बोलो भाई आपको क्या, तो वैसे ही फॉर्मूला आ गया मेरे पास जिससे क्या होता है कार्नोट थ्योरम का होता भाई इजंट इट। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं थीटा वन क्या पुट कर दूं, अगर मैं थीटा वन जीरो पुट कर दूं एब्सोल्यूट जीरो भाई नहीं समझे बात, अब थीटा वन आप जीरो पुट कर दो तो क्यू टू बाई क्यू वन क्या क्यू टू बाई क्यू टू माइनस क्यू वन बाई क्यू टू इज इक्वल टू इटा होता होगा क्या आ जाएगा मेरे पास थीटा टू बाई थीटा टू आ जाएगा ना मेरे पास ये थीटा टू बाई थीटा टू, क्यों भाई थीटा वन क्या पुट कर दिया जीरो तो थीटा टू बाई थीटा टू क्या होगा क्या गया भाई वन आ गया। तो मतलब भाई अर्थात थीटा वन मैंने क्या पुट किया, अरे बोलो भाई यानी कि जो थर्मोडायनेमिक बोलो भाई इन थीटा वन जीरो पुट करने पर और आइडियल गैस इक्वेशन जो सॉरी जो आइडियल स्केल आइडियल गैस स्केल ऑफ टेम्परेचर होती है वहां पर आप उसका रेफरेंस पॉइंट क्या मानते हो जीरो केल्विन बोलो भाई। तो यहां से तो क्या प्रूव हो गया यानी कि अगर यानी कि भाई जो आइडियल अरे भाई जो इनिशियल स्केल होगी क्या यानी आइडियल गैस स्केल की आइडियल गैस जो आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल होती है जो उसका इनिशियल पॉइंट आइडियल गैस स्केल का जो अरे बोलो भाई आइडियल गैस स्केल का जो क्या होता है आइडियल गैस टेम्परेचर आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल का जो क्या होता है इनिशियल पॉइंट समझ गए बात वो क्या होता है बोलो भाई। ऐसे कार्नोट इंजन की बोलो भाई यानी कि वन एफिशिएंसी वाले कार्नोट इंजन की सिंक के टेम्परेचर के बराबर आ गया नहीं आ गया भाई यानी कि आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल का जो क्या होता है इनिशियल वैल्यू इनिशियल जो पॉइंट होता भाई जीरो होता ना भाई मैं समझे बात। और यहां भाई थीटा वन जीरो पुट करते एफिशिएंसी क्या रही है तो आपने एक कोरिलेशन देखी कि केल्विन स्केल में क्या होता है जो जीरो केल्विन स्केल में क्या होता है भाई जीरो होता है केल्विन स्केल में जो जीरो होता है कार्नोट इंजन में बताओ वन एफिशिएंसी वाले कार्नोट इंजन में वो क्या होता है सिंक का टेम्परेचर केल्विन स्केल में जो जीरो होता है भाई जो केल्विन स्केल में जीरो होता है वन एफिशिएंसी वाले कार्नोट इंजन में वो क्या होता है सिंक का टेम्परेचर। तो भाई क्या सिंक का टेम्परेचर क्या केल्विन स्केल के इनिशियल पॉइंट से मैचिंग करेगा क्या नहीं होता बिल्कुल भाई यानी यहां पर मैं क्या मान सकता हूं सोर्स सिंक यानी वन एफिशिएंसी वाले इंजन के और भाई कोई भी गैस इस्तेमाल करो इसके फर्क क्या पड़ता है वन एफिशिएंसी वाला कोई इंजन हो वन एफिशिएंसी वाला कोई भी इंजन हो भाई दुनिया में वन एफिशिएंसी वाला कोई भी इंजन हो हरेक का इनिशियल हरेक का सिंक टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको जीरो। दुनिया में वन एफिशिएंसी वाला कोई भी इंजन हो भाई उसमें कोई गैस इस्तेमाल होती हो अगर उसकी एफिशिएंसी क्या है वन उसका सिंक का टेम्परेचर क्या होगा जीरो बोलो भाई और जीरो और यही क्या होता है केल्विन स्केल का इनिशियल पॉइंट समझे बात। तो क्या भाई इस इंजन में गैस बदलने से क्या इस इंजन में गैस बदलने पर सिंक का टेम्परेचर बदल जाएगा क्या हमेशा मैच करता रहा किसे भाई किसे एब्सोल्यूट जीरो के जीरो से इसे इसी को क्या बोलते हैं हम यानी आप सोर्स हो यानी आप वन एफिशिएंसी वाले सिस्टम का सोर्स और सिंक को आप क्या मान सकते हो उस स्केल के इनिशियल और फाइनल वन एफिशिएंसी वाले इंजन के सिंक और सोर्स को आप क्या मान सकते हो भाई ये किससे बिल्कुल कोरिलेट कर रहा है
केल्विन स्केल से, नहीं आ रहा आपको ये? इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। आ गया आपको ये? क्योंकि ये क्या है, मटेरियल इंडिपेंडेंट। बोलो भाई, ये मटेरियल बदलने पर आपको डिफरेंट रिजल्ट ना ही देगी। आ गया ना? और बताओ भाई, अब एक रद्दी सा क्वेश्चन तो कर ही लो। इफ 100 जूल वर्क इज ऑब्टेंड बाई ए हीट इंजन आफ्टर सप्लाइंग 200 जूल ऑफ हीट, द एफिशिएंसी विल बी, समझ गया मैं ये क्वेश्चन भाई, मैंने क्यों ऑर्ड कर रखा है? अरे भाई, हालांकि मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन पढ़ा लेकिन बताओ क्या होगा? अरे ये मैंने सी कैसे लिख दिया ये? अरे भाई, 200 जूल हीट दी, 100 जूल वर्क किया है, क्या होगी एफिशिएंसी? 200 जूल हीट दी है, 100 जूल वर्क किया है ना, तो एफिशिएंसी क्या होती है, ईटा क्या होती है, W बाई क्यू टू, हीट एब्जॉर्ब क्या है 200 जूल, वर्क कितना किया है 100 जूल, तो 100/200 कितना आ गया, 100/200 पॉइंट दो, 100/200 भाई बताओ कितना आ गया हमारे पास, 0.5, तुम क्या बोलेंगे 50%। आ गया ना भाई आपको ये, तो ए आ गया ये तो मुझे तो भाई एक नजर आ रहा है ये, है ना, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।